नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए क्लासेस शुरू की हैं और अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं जिस पर हम केवल सिलेबस माध्यम से ही आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको फिनिश करा दी है 2 क्लासों में। जिसमें पहली क्लास में आपको राजनीतिक जीवन विस्तार और उसके आर्थिक जीवन सही पर प्रकाश डाला है, और दूसरी क्लास में उसी के हमने साक्ष्य और प्रमुख स्थलों के ऊपर बात की है, और वो भी ट्रिकी माध्यम से आपको बताए हैं। जिन भाइयों ने अभी तक वह वीडियोज़ या क्लासें नहीं देखी हैं, वो जाएं प्लेलिस्ट में और वहाँ से उनका लाभ उठा सकते हैं। आज जो हमारा सेशन है वह है, देखिए मेरे पास ये है आपके सामने सिलेबस, और उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आपके आती है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता पर हमने आज क्लास की है, और वैदिक सभ्यता में भी जितनी क्लासें बननी हैं हम सारी क्लासें आपको बहुत अच्छे माध्यम से, बिल्कुल ऐसा मानिए यूपी पैट के ही माध्यम से हम आपको ये पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ आपकी और भी सारी वैकेंसी जो है यहाँ से कवर हो जाएंगी। मगर हमें सिलेबस जो कराना है वो पूरा, जो एंशेंट हिस्ट्री नहीं पढ़ानी है हमें, केवल जो पैट में एंशेंट हिस्ट्री का आएगा केवल हमें वो पढ़नी है बातें, ठीक है। तो हमारा जो लिखा हुआ है वो यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक 2023 के खासकर क्लासेस चल रही हैं हमारी, और हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। अब हम बताते हैं क्या हुआ। 2350 से लेकर 1750 तक जो कार्यकाल देखा गया था वह देखा गया सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद बताया गया था सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का कारण, कुछ लोगों ने बताया कि आर्यों ने उनका ध्वंस करके फिर अपनी नई सभ्यता बनाई थी, कोई इस पर बहुत मत है, और कुछ का बोलना यह है कि बाढ़ के कारण जो है उनको उनका जो है पतन, मतलब ऐसा मान लीजिए वह सभ्यता समाप्त हो गई थी, किसके कारण, बाढ़ के कारण। तो वो 1750 में हुई, परंतु उसके बाद जो सभ्यता हुई तो ये 1500 से शुरू हुई। तो इनके कालक्रम को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, विद्वानों का मत अलग अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का हमें पता नहीं था तो भारत की सबसे प्राचीन, पहली, सबसे पुरानी सभ्यता तो मानी जाती थी वो वैदिक सभ्यता ही मानी जाती थी, जिसे हम आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सैंधव सभ्यता की समाप्ति के बाद वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का उदय हुआ। और इसकी जानकारी कहाँ से पता चला कि ये भी कोई सभ्यता थी, तो इसकी जानकारी जो हमें मिली वो मिली वेदों से। तो हमारे सबसे प्राचीन जो है वो क्या है, वेद हैं। तो वेदों से हमें जानकारी मिली कि भारत में कोई एक ऐसी सभ्यता थी जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिस समय वेदों का सृजन किया गया था, वेदों का संकलन किया गया था, उस समय पर भी जो सभ्यता थी उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता में, इसके बारे में जो बताया वैदिक सभ्यता के बारे में भी, वो कितना बना बताया, 1853 में प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार, 1853 में प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार इस चीज़ की पुष्टि हुई कि ऐसी भी कोई सभ्यता थी, ठीक है। 1853 से पहले हमको नहीं पता था कि वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कैसे वैदिक सभ्यता थी, क्या प्राचीन सभ्यता थी, उससे पहले कोई सभ्यता का जानकारी नहीं मिली थी। परंतु 1853 के बाद में हमें इस सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता जो चली वो किससे चली, मैक्स मूलर। तो शुरू करते हैं क्लास क्या है। तो देखिए क्लास है आपकी यहाँ पर वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि समझने के माध्यम से। अगर हम समझने के माध्यम से बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि समझने के माध्यम से अगर आधार से देखें तो ये हमारी जो सभ्यता थी वो क्या थी, इस सभ्यता को जो हमने कहा, इस सभ्यता को कहा वैदिक सभ्यता, ठीक है। कहा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को हम 2 कालों में बांटते हैं, एक तो आपकी होती है पूर्व वैदिक काल, ठीक है, या पूर्व वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक काल, और एक आपका होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अगर हम कालक्रम की बात करें तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो है पूर्व वैदिक काल है, और 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है वह आपका है उत्तर वैदिक काल था। अब ये काल क्या थे, इनमें कुछ खासियत, कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इसे ऋग्वेद वैदिक सभ्यता कहते हैं, कैसे कहते हैं इसे ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, कैसे सभ्यता कहते हैं भाई, ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं। पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, यानी यह सभ्यता कैसी थी, पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ऋग्वेद पर आधारित सभ्यता थी, किस पर, ऋग्वेद पर आधारित सभ्यता थी, ठीक है भाई। और मुख्य आधार जो था पशुचारण था, और गौण जो था वो क्या था, कृषि, यानी कि गौण मतलब आधारित जो डिपेंड था वो क्या था, कृषि था, गौण मतलब क्या होता है, ठीक है, आधारित। तो अब मुख्य जो था वो क्या था, पशुचारण, यानी कि यहाँ के लोग पशुचारण काम करते थे और कृषि इनका गौण कार्य था, ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक महाजनपद काल तक ये चली, कब तक चली, महाजनपद काल तक ये चली, और इसमें क्या हुआ कि अन्य वेदों का सृजन किया गया, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। आप आराम से सब क्लासें देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। नगरीय सभ्यता क्या थी, क्या ये थी, ये नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि ग्रामीण के बाद
जैसे ही कृषि करना शुरू किया लोगों ने तो पैसा या आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत हो गई और जिससे क्या हुआ, ये नगरीय सभ्यता बन गई। आगे बात करते हैं कृषि के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य पर भी ये आधारित थी सभ्यता। तो थोड़ी बहुत जो है यहाँ से आप पहचान कर सकते हो, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, या फिर इसको इसी तरीके से जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक बार फिर कर लेते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता कहते थे, फिर इसे पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता भी कहते थे, और ऋग्वेद पर आधारित सभ्यता थी ये, और इसका मुख्य आधार जो था वह क्या क्या था, पशुचारण और कृषि। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से लेकर 600 BC। अन्य वेदों पर आधारित है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसमें संकलन हुए थे, और नगरीय सभ्यता कहते हैं इसको, और कृषि के साथ साथ व्यापार वाणिज्य पर आधारित यह है सभ्यता थी। अब बात आती है इस सभ्यता के नामकरण को लेकर, इसके निवास को लेकर। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा, अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर मत दिए कि इनका निवास स्थान ही कहाँ से लोग आए थे, इनका मतलब है कि कहाँ से ये लोग आए थे। पहले हम यहाँ ही बात करते हैं, ये लोग कहाँ से आए थे इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं हम। तो देखिए क्या था, इन्हें हम आर्य बोलते हैं, इस सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, आर्य। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर ने, यानी कि पहले नंबर पर हम बात करते हैं किसकी, प्रोफेसर मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। प्रोफेसर मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से, कहाँ से आए थे, ये लोग मध्य एशिया, ईरान, ठीक है, कहाँ से, ईरान और अफगानिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से। तो इनका मत तो ये था कि कहाँ से आए थे, ये ईरान से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और अफगानिस्तान से आए थे। ठीक है, जबकि बात करें दूसरे व्यक्ति के ऊपर, बाल गंगाधर तिलक, किसके ऊपर, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव से लोग आए थे, कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से लोग आए थे, इन्होंने ये कहा। जबकि दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें, तीसरी बात जो है, दयानंद सरस्वती ने जो मध्य अपना वो क्या दिया कि ये सप्त सैंधव क्षेत्र से आए थे, कहाँ से आए थे, सप्त सैंधव क्षेत्र से ये लोग आए थे, इन्होंने ये कहा। कहाँ से आए थे, दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि सप्त सैंधव क्षेत्र से आए। तो इनका थोड़ा सा नाम याद रखना है, मगर सबसे ज़्यादा अगर मैं नोट करने वाली बात यहाँ से बताऊँ तो सबसे ज़्यादा विद्वान जो है, यानी कि विद्वानों का मत है वो किस पर जाता है, प्रोफेसर मैक्स मूलर के तरफ जाता है। यानी विद्वानों का मत जो आता है वो किधर जाता है, प्रोफेसर मैक्स मूलर के। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए हैं ये लोग, ईरान से आए हैं और अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इन लोगों के कहाँ से आए, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आके, और इन्होंने इस सभ्यता का उत्थान किया, या यहाँ पर इन्होंने अपने घर मकान बनाए और इस तरीके से बात किया। ठीक है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का कहना है ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, जबकि दयानंद सरस्वती का मत है सप्त सैंधव क्षेत्र से आए थे। अब मैं यहाँ तक बताता हूँ कि सप्त सैंधव क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, सप्त सैंधव क्षेत्र का मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूँ कि सप्त सैंधव क्षेत्र किसे बोलते हैं। हमारा यहाँ पंजाब, ठीक है, पंजाब और इधर अगर आप बात करें तो उत्तर भारत, ठीक है इसको, और अगर ये, ठीक है भाई, अगर यहाँ पे हम लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया पंजाब हो गया है, और अफगानिस्तान, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अफगानिस्तान, ठीक है अफगानिस्तान, और फिर नीचे जो लिख सकते हैं हम एमपी, और यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं पश्चिमी यूपी, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कह सकते थे, इसको हम कह सकते थे सप्त सैंधव क्षेत्र इसी बोलते थे। तो इन लोगों का, दयानंद सरस्वती का कहना मतलब ये था कि ये क्षेत्र था सप्त सैंधव क्षेत्र, ये यही था कि ये लोग यहाँ से आए थे, इतने बीच में से ये लोग जो है आए थे। तो इतनी बात आपको आगे हो समझ में, तो नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, ठीक है भाई, इतने नोट करो। अब मैं यहाँ पर कुछ एक बताता हूँ, जैसे यहाँ पर सप्त सैंधव क्षेत्र है, जहाँ पर यहाँ दयानंद सरस्वती जिक्र करा है, ऐसे कुछ क्षेत्र होता है सप्त सैंधव क्षेत्र जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। चलिए तो यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो देखिए,
सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र सात नदियों के क्षेत्रों को कहा जाता है, क्षेत्र को किसे कहा जाता है, सात नदियों के क्षेत्रों को कहा जाता है सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र सात नदियों के क्षेत्रों को कहा जाता है। ऐसे ब्रह्मवर्त किसे कहा जाता है, ब्रह्मवर्त किसे कहा जाता है, समझ गए नहीं, ब्रह्मवर्त किसे कहा जाता है, एग्जाम में ये आ जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है भाई। तो ब्रह्मवर्त क्या है, सतलज और यमुना, ब्रह्मवर्त ये किसे कहा जाता है, सतलज या सतलुज और यमुना तक के क्षेत्र को, यमुना तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ब्रह्मवर्त कहा जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर और याद रखना है, आर्यवर्त, क्या रखना है याद, आर्यवर्त, चलो यहाँ लिख देता हूँ आर्यवर्त। तो आर्यवर्त जो कहा जाता है वो गंगा यमुना, किसको कहा जाता है, गंगा और यमुना द्वाब को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई अभी यहाँ से, तो पहला समझो इसको, स्थायी निवास को लेकर क्या बात है यहाँ पर, प्रोफेसर मैक्समुलर ने मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान बताया, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर ध्रुव बताया, दयानंद सरस्वती ने सबसे अंदर क्षेत्र बताया, और अधिकांश विद्वानों का मत जो था वो क्या था, प्रोफेसर मैक्समुलर का जाता था, ठीक है भाई। अब यहाँ पर सात सबसे अंदर क्षेत्र क्या होता है वो मैंने बताया था, पंजाब और उत्तर भारत, यूपी, पश्चिम यूपी, मध्य प्रदेश, अफगानिस्तान के बीच के क्षेत्र को जो था हम क्या कहते हैं, सबसे अंदर क्षेत्र कहते थे। और यहाँ पर जो है सात नदियों का क्षेत्र था यहाँ, और ब्रह्मवर्त जो कहते हैं वो सतलुज और यमुना के क्षेत्रों को कहते हैं, ऐसे आर्यवर्त जो कहते हैं वो गंगा और यमुना के क्षेत्रों को कहते हैं। इस तरीके से बात हुई हमारी क्लियर, बताइए कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नोट कर लो इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और नोट पॉइंट कर सकते हैं, कुछ और नोट पॉइंट लिखते हैं, इस सभ्यता में कुछ और जानकारी, इस सभ्यता के बारे में कुछ और जानकारी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में आ जाएंगी पूरे अच्छे से, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर अगर मैं नोट पॉइंट करके लिखूँ, मैं लिखने वाला हूँ नोट इन पॉइंट करके, नोट इन पॉइंट, अगर मैं नोट इन पॉइंट पर जिक्र करने वाला हूँ तो यहाँ सबसे पहला नोट पॉइंट क्या होगा कि सबसे महानतम नदी या महत्वपूर्ण नदी किसे माना जाता था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण नदी यहाँ किसे माना जाता था, अगर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो सिंधु को माना जाता था, किसे माना जाता था, सिंधु को, सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था। अगर बात करें कि सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी जो माना जाता था वो किसे माना जाता था, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, उत्तर वैदिक काल की, यानी पूर्व वैदिक काल की, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सबसे पवित्र नदी जो माना जाता था किसे माना जाता था, सरस्वती को इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता था, ठीक है। अगर तीसरी बात यहाँ पर करें तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि ऋग्वेद में एक बार जिक्र जो है गंगा का, एक बार जो जिक्र है वो किसका है, गंगा का है, ठीक है भाई। और अगर ऋग्वेद की बात करें तो तीन बार जो जिक्र है वो किसका है, यमुना का है, किसका है, यमुना का है, ठीक है भाई, ये यमुना का जिक्र है। तो हम जो बात कर रहे हैं अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, 1500 से लेकर 1000 BC तक की बात कर रहे हैं, हम इसमें ही बात कर रहे हैं, पहले हम इसको समझेंगे। वैदिक सभ्यता में हमने समझा है नोट पॉइंट करके, ये पहले इनका स्थान देखा है, इनका क्षेत्र देखा है, फिर सब संदर्भ क्षेत्र बोला है, अब हम बात कर रहे हैं नोट पॉइंट में, इसमें सबसे ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना है, सिंधु नदी को माना है, सबसे पवित्र नदी जो माना है वो किसे माना है, सरस्वती नदी को, जबकि ऋग्वेद में जो माना गया गंगा नदी को एक बार और यमुना नदी को तीन बार यहाँ पर इसका जिक्र है, समझ गए नहीं। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि प्राचीनतम नदियाँ, यानी कि ऋग्वेद में क्या हो सकती हैं, आपके कुछ नदियाँ हैं उनके एक आपका पॉइंट बन जाएगा, प्राचीनतम नदियाँ क्या करना है आपको, प्राचीनतम नदियाँ और उनके नाम, ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में प्राचीन नदी उनके नाम देखने हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेना है एक तरह प्राचीन और एक आधुनिक, ठीक है। प्राचीन में क्या कहा जाता था और आधुनिक में क्या कहा जाता था, ठीक है भाई, प्राचीन में क्या कहा जाता था, आधुनिक में क्या कहा जाता था। तो सबसे पहली बात है सिंधु, समझ गए नहीं। या इससे पहले अगर मैं बात बताऊँ इन नदियों से पहले भी हमने एक जिक्र करा सरस्वती नदी,
यानी कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नदी जो माना जाता है किसको माना जाता था, सरस्वती नदी को माना जाता था, सरस्वती नदी को माना जाता था, सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता। इसे किस किस नाम से जाना जाता था, इसे देवी तमा, देवी तमा के नाम से जाना जाता था, इसे माते तमा, माते तमा के नाम से जाना जाता था, इसे नदी तमा, नदी तमा के नाम से जाना जाता था। ये नाम और थे इसके, परंतु हमें बात जो करनी है यहाँ करनी है ऋग्वेदिक काल में। तो प्राचीन नदियों में अगर हम बात करें तो यहाँ नदियों में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडस, समझ गए नहीं क्या कह सकते हैं, इंडस, इंडस किसे कहा जाता था, तो इंडस जो कहा जाता था आपका वो कहा जाता था सिंधु को, इंडस जो कहा जाता था सिंधु को कहा जाता था। अगर हम बात यहाँ पे कर देते हैं रावी, ठीक है, रावी जो हमारी नदियाँ थीं उनको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, सॉरी आधुनिक इधर लिख दो, यहाँ आधुनिक लिख दो, यहाँ आधुनिक और यहाँ लिख दीजिए प्राचीन, ठीक है भाई। तो रावी नदी को पहले क्या कहा जाता था, रावी नदी को क्या कहा जाता था, पुरुषणी कहा जाता था, रावी नदी को क्या कहा जाता था, पुरुषणी, पुरुषणी, ठीक है। इसी तरीके से चिनाब नदी को क्या कहा जाता था, चिनाब नदी को जो कहा जाता था क्या कहा जाता था, अश्किनी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अश्किनी, क्या कहा जाता था, अश्किनी कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर ब्यास नदी को क्या कहा जाता था, ब्यास नदी को क्या कहा जाता था, विपासा कहा जाता था, किसे कहा, क्या कहा जाता था, विपासा, ब्यास को विपासा, इसे कहा जाता था विपासा। अगर हम बात करें काबुल नदी को, काबुल नदी को क्या कहा जाता था, तो काबुल नदी को कुंभा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कुंभा, कुंभा कहा जाता था, ठीक है, कुंभा कहा जाता था। अगर हम बात करें यहाँ पर ही काबुल के बाद में कुर्रम नदी, कुर्रम नदी को क्या कहा जाता था, तो कुर्म कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कुर्म, कुर्म कहा जाता था। अगर मैं सतलज की बात करूं, सतलज की बात करूं तो सतलज को क्या कहा जाता था, सतुद्री, क्या कहा जाता था, सतुद्री, सतुद्री कहा जाता था। अगर हम यहीं बात करें झेलम को, झेलम को क्या कहा जाता था, तो झेलम को कहा जाता था वितस्ता, क्या कहा जाता था, वितस्ता कहा जाता था, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गोमल को, गोमल को क्या कहता था, तो गोमती कहा जाता था, क्या कहा जाता था, गोमती, गोमती कहा जाता था। अगर मैं कहूँ गंडक, गंडक को क्या कहा जाता था, तो सदा नीरा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सदा नीरा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी नदियाँ याद रख लेनी है, यहाँ से, यहाँ से ये नदियाँ रख लेनी है, थोड़ी सी याद कर लेनी है, ठीक है भाई। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे, यानी कि ऋग्वेदिक काल में प्राचीन नदी और उनके नाम याद करने, ऋग्वेदिक काल 15 से 1000 था, इसमें सरस्वती नदी जो है उसे देवी तमा कहा जाता था, माते तमा कहा जाता था, नदी तमा कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर गंगा का जिक्र जो है ऋग्वेदिक काल में वो एक बार है, और यमुना का जो काल है वो 3 बार है यहाँ जिक्र, जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो किसे माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण नदी जो माना जाता था सिंधु, मगर सबसे पवित्र नदी जो माना जाता था किसे माना जाता था, सरस्वती नदी को माना जाता था। यहाँ पर उनके नाम, आधुनिक काल में इन्हें क्या कहा गया था, आधुनिक काल में इन्हें क्या कहा जाता है, अब प्राचीन काल में इन्हें क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर अगर हम बात करके चलें तो इंडस, इंडस को सिंधु कहते हैं, ठीक है, कहते थे। प्राचीन रावी को जो कहते थे पुरुषणी कहते थे, चिनाब को कहा जाता था अश्किनी, ठीक है, ब्यास को कहा जाता था विपासा, काबुल कहा जाता था कुंभा, ठीक है, कुर्रम को कहा जाता था कुर्म, सतलज को कहा जाता था सतुद्री, झेलम को कहा जाता था वितस्ता, गोमल को कहा जाता था गोमती, और गंडक को कहा जाता था सदा नीरा, ठीक है। इस तरीके से इनका नाम हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक है इसको नोट कर लो आप अच्छे से, पहले आप इसको तरीके से नोट कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा है वो हमारा है कि हम बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल की सामाजिक जीवन कैसा था। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था, ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, और ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है भाई। तो अब क्या है उसमें, अब उस पर नज़र मारते हैं हम। तो सबसे पहले हम जो ये करने वाले हैं वो किस पर करने वाले हैं, ऋग्वेदिक काल का, ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन, ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन। ऋग्वेदिक काल का, ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन,
क्या था, इस पर हम नज़र मारने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी है। यहाँ से पहली बात यह है यहाँ की कि पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। कैसी थी? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। दूसरा यहाँ पर संयुक्त परिवार कैसे रहते थे? संयुक्त परिवार रहते थे। तो पितृ सत्तात्मक थी, संयुक्त परिवार रहते थे। ठीक है, यहाँ पर विराट पुरुष का जिक्र है, विराट पुरुष का जिक्र है। ठीक है, और विराट पुरुष से ही माना गया है कि साम्राज्य का विस्तार हुआ है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर मुख को जो कहा गया था, मुख से बताया जाता है कि विराट पुरुष के मुख से अगर बात करें, मुख से कौन हुए हैं ब्राह्मण। क्या बताया गया कि मुख से विराट पुरुष के मुख से कौन हुए हैं? ब्राह्मण हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में बताया गया विराट पुरुष की भुजाओं से जो हुए हैं क्षत्रिय, यानी किन से? भुजाओं से कौन हुए हैं? क्षत्रिय। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन हुए हैं? क्षत्रिय। अगर हम बात करें जांघों से विराट पुरुष के जांघों से जो हुए हैं वो हैं वैश्य। और अगर हम बात करें पैरों से तो बताया जाता है शूद्र। क्या बताया जाता है? शूद्र बताया जाता है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि विराट पुरुष का जिक्र किया गया है, इसमें समाज जीवन में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार रहते थे। ठीक है, विराट पुरुष का जिक्र था। ठीक है, मुख से जो हुए हैं ब्राह्मण बने हैं। ठीक है, भुजाओं से जो बने हैं क्षत्रिय बने हैं, जांघों से बने हैं वैश्य, और पैरों से बने हैं शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही गई है, यहाँ वर्ण का जिक्र था। ठीक है, गोत्र और वर्ण का भी यहाँ पर जिक्र किया गया था। ठीक है भाई, अगर इसकी बात भी अगर करें यहाँ पर तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अगर हम यहाँ बात करें और तो स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बस क्या क्या था, जैसे कि शिक्षा के द्वार खुले थे। अगर बात करें तो पति के साथ यज्ञ में शामिल हो सकती थी। कहाँ पर? यज्ञ में शामिल हो सकती थी। ठीक है, अगर बात करें सती प्रथा प्रचलन में नहीं थी। पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। ठीक है, बाल विवाह ये भी प्रचलन में नहीं था। ठीक है भाई, तो यहाँ से इतनी बात आ गई है, जानकारी हो गई है। अगर हम बात करें हैं वस्त्र जो पहनते थे लोग, अगर वस्त्र की बात करें तो वस्त्रों का सेवन जो करते वो ऊनी सूती और चर्म, ऊनी सूती और चर्म के वस्त्र पहनते थे। ठीक है भैया, आ रही बात समझ में? और लोग कैसे थे? शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। यहाँ पर एक जिक्र और आता है कि पेय पदार्थों के रूप में सोम और सुरा था अमृत और सुरा था मदिरा। इनका प्रयोग करते थे, पीने के लिए प्रयोग करते थे। वो किसका करते थे? सोम का अमृत के रूप में और मदिरा के रूप में सुरा का प्रयोग करते थे। तो फिलहाल में सामाजिक स्थिति पर ध्यान देंगे कि ऋग्वेदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, संयुक्त परिवार निवास करते थे। ठीक है, विराट पुरुष का जिक्र है जिससे कि ये वर्ण बने हैं, तो मुख से जो बने ब्राह्मण बने हैं, भुजाओं से बताते थे क्षत्रिय बने हैं, जांघों से वैश्य बने हैं। ठीक है, पैरों से शूद्र बने हैं। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति कोई ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी, शिक्षा के द्वार खुले थे, पतियों के साथ यज्ञ में शामिल हो सकती थी, सती प्रथा प्रचलन नहीं थी, पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। वस्त्र जो थे ऊनी व सूती चर्म के पहनते थे, जबकि शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। ठीक है, अमृत के रूप में सोम का प्रयोग करते थे और मदिरा के रूप में सुरा का प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ और आपको समझेंगे। यहाँ विवाह जो थे, दो प्रकार के विवाह थे ऋग्वेद काल में। विवाह कितने प्रकार के थे?
दो प्रकार के विभाजन थे प्रचलन में थे। तो एक तो था आपका दो प्रकार के, यानी कि इतनी स्थिति की बात खत्म होने के बाद में क्या है, एक तो था अनुलोम विवाह और एक था प्रतिलोम विवाह। एक क्या था, अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और दूसरा जो था वो क्या था, प्रतिलोम, प्रतिलोम विवाह। तो ये दो प्रकार के विवाह यहाँ पर देखने को मिले हैं, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह, इनका जिक्र है। जबकि उत्तर वैदिक काल जब पढ़ोगे तो उसमें आठ प्रकार के विवाह आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर केवल दो ही याद रखने हैं। तो इसमें अनुलोम विवाह क्या होता था कि पुरुष जो होता था वो, पुरुष जो होता था वो उच्च वर्ग का होता था, कहाँ सा होता था, उच्च, और महिला जो होती थी, महिला क्या होती थी, निम्न वर्ग की, निम्न वर्ग की, समझ गया भाई, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के, ठीक है। जैसे कोयला मूवी में अमरेश पुरी जो है वो उच्च वर्ग के हैं और माधुरी दीक्षित जो है वो कौन से वर्ग की हैं, निम्न वर्ग की हैं, ठीक है। जबकि प्रतिलोम विवाह क्या होता था, पुरुष निम्न वर्ग का और महिला, महिला जो होती थी वो उच्च वर्ग की होती थी, किस वर्ग की, उच्च वर्ग की होती थी। जैसे कि अब मैं अगर अनुलोम को बताऊं तो पुरुष जो है उच्च विवाह में, और प्रतिलोम में जैसा दिलवाले में, दिलवाले में अजय देवगन जो है वो निम्न वर्ग से है, जबकि सपना जो है वो है उच्च वर्ग की, ठीक है। तो इस तरीके के विवाह को हम क्या कहते थे, इस तरह का विवाह क्या कहते थे, प्रतिलोम। तो यहाँ से इतना जो है थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, ठीक है, संयुक्त परिवार रहता था, विराट पुरुष से जिक्र है कि ब्राह्मण क्षत्रिय है वैश्य शूद्र, मुख से, भुजाओं से और जांघों से, पैरों से बने हैं, इस तरह की स्थिति, शिक्षा द्वार खुले हुए थे, पति के साथ एक में शामिल हो सकती है, सती प्रथा का कोई अवशेष नहीं है, पर्दा प्रथा के भी नहीं है, बाल विवाह के भी नहीं है, वस्त्र ऊनी सूती चर्म के पहनते थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के रहते थे, और पीने में अमृत में जो है आपका सोम का प्रयोग करते थे, मदिरा के रूप में सुरा का प्रयोग करते थे। दो विवाहों का जिक्र है यहाँ पर, एक तो अनुलोम का और एक प्रतिलोम विवाह का। ठीक है भाई, तो इतनी बात थोड़ी सी हमें यहाँ से बना के रखनी है तैयार, इतनी बात तैयार रखनी है हमको। ये थी हमारी क्या, ऋग्वेदिक काल की सामाजिक जीवन, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा जो है अब हम करते हैं राजनीतिक जीवन क्या है, इसी के बाद क्या करते हैं हम राजनीतिक जीवन करते हैं, राजनीतिक जीवन क्या है, ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन। तो यहाँ पर आप जो डालेंगे हेडिंग वो आप डाल सकते हैं राजनीतिक जीवन, क्या हेडिंग डाल सकते हैं बेटा, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन हम डाल सकते हैं यहाँ पर राजनीतिक जीवन। अगर राजनीतिक जीवन में बात करें तो क्या कैसे क्या था, किस तरीके से था, तो मैं आपको बताता हूँ राजनीतिक जीवन में, ठीक है। यहाँ पर कबीला व्यवस्था थी, कैसी थी, कबीला व्यवस्था, कबीला व्यवस्था थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लोगों को, लोगों को जन व कबीलों, जन व कबीलों में बांटा गया था, ठीक है। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, कुल का मतलब समझते हो, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, कुल, कुल का मतलब था कि एक छत के नीचे रहने वाले लोग, एक छत के नीचे रहने वाले लोगों को हम क्या कहते थे, कुल। और इसका जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था, कुलुप, उसे क्या कहा जाता था, कुलुप कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कुलुप। कुल के बाद में, कुल के बाद में जो बनता था वो क्या बनता था, कुल के बाद में बनता था ग्राम, ग्राम। और इसके जो मुखिया होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, ग्रामणी, ग्रामणी। इसके बाद में, ग्राम के बाद में बनता था बिस, क्या बनता था भैया, बिस बनता था, और बिस को क्या कहता था, बिस्पति, क्या कहा जाता था, बिस्पति, बिस्पति बना कहा जाता था। इसके बाद में बनता था जन, क्या बनता था, जन, और जन को क्या कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पुरोहित, पुरोहित, जन के मुखिया को पुरोहित कहा जाता था। अब पुरोहित के बाद में क्या होता था, राष्ट्र, जन के बाद में क्या होता था, राष्ट्र, और राष्ट्र की देखरेख कौन करता था, राजा, कौन करता था, राजा। इससे ये तो पता चल गया है, इससे ये तो इतनी जानकारी मिल गई है हमें कि सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जन थी, और जन को ही माना जाता था राष्ट्र, ठीक है। अब लोगों को जन और कबीलों में बांटा गया था, सबसे छोटी इकाई हो गई कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है, इतनी बात समझ में आ चुकी है, नहीं आ चुकी है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर एक बात और हमें पता चल चुकी है कि यहाँ पर शासन जो था वो राजतंत्रात्मक था, कैसा शासन था, राजतंत्र आत्मक, कैसा था, राजतंत्रात्मक शासन था, ठीक है भाई। इतनी बात यहाँ से पता चल चुकी है लोगों आपको, ठीक है।
फिर एक बात और आपको याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर स्थाई सेना नहीं थी, स्थाई सेना नहीं होती थी, लोग बलि स्वेच्छा से देते थे, स्वेच्छा से देने वाला कर हुआ करता था, कर किसको, राजा को, जो उनका संरक्षण करता था, जो उनका संरक्षण करता था। इतनी बात थोड़ी सी याद रखनी है। यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र और है, एक तो सभा का और एक समिति का। किसका, सभा और समिति का, दो चीज़ों का और जिक्र है। तो देखिए, सभा और समिति दो चीज़ें क्या होती थी, सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठ लोग भाग लेते थे, विद्वान भाग लेते थे, धनी लोग भाग लेते थे, जबकि समिति में आम जनता, महिलाएं, गरीब लोग ये इसमें शामिल होते थे। तो इनके बने हुए क्या कहते थे, समिति, और जबकि सभा में कौन रहते थे, श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग और धनवान लोग, यानी कि धनी लोग, ये लोग रहते थे। ठीक है भाई, तो एक बार रिवाइज करेंगे इसको, घबराने की कोई बात नहीं, पूरी तरीके से समझ रहे हैं हम। राजनीतिक जीवन, कबीला व्यवस्था थी, लोगों को जन्म कबीलों में रहते थे, बांट दिया था, सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, कुल के उसे क्या कहते हैं, कुलीप कहा जाता था, ग्राम को कहते हैं ग्रामणी कहा जाता था, विश्व को विश्वपति, जन को पुरोहित और राष्ट्र को राजा कहा जाता था। राष्ट्रांतरात्मा शासन व्यवस्था थी, स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी क्योंकि इतना धन नहीं था राजा के पास कि वो स्थायी सेना लंबे समय तक रख सकते हैं। बलि स्वेच्छा से होती थी, कर जो है वो कौन देता था, राजा को दिया जाता था अपनी स्वेच्छा से, अपने संरक्षण के लिए, देख रेख के लिए। अब यहाँ सभा और समिति दो चीज़ें देखने मिलेंगी, तो एक क्या है आपका, सभा में श्रेष्ठ लोग रहते थे, विद्वान लोग रहते थे, धनी लोग रहते थे, जबकि समिति की अगर बात करें तो आम जनता, महिलाएं और गरीब बच्चे इसमें रहते थे। ठीक है भाई, इसको जल्दी से करो नोट, आप इसको फुर्ती से कर लो नोट। ठीक है, हो गया नोट, ये फुर्ती से नोट कर लो इसको। हाँ भाई, कर लिया नोट, बताइए। अब राजनीति जीवन के बाद में हम देखने वाले हैं धार्मिक जीवन, क्या देखने वाले हैं, धार्मिक जीवन देखने वाले हैं कि धार्मिक जीवन में क्या क्या बातें दी गई थी। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है धार्मिक जीवन, उसको एक बार रिवाइज करेंगे क्या है। देखिए, धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो थोड़ा समझ लेंगे, इसमें एकेश्वरवाद यानी कि ऋग्वेदिक काल का जो धार्मिक स्थिति है उसमें क्या था, एकेश्वरवाद को महत्ता दी गई है। ठीक है, और देखा जाए कि देवताओं का अस्तित्व भी यहीं मिलना शुरू हुआ है, किसका, जितने भी देवता हैं उनका जो अस्तित्व है यहाँ से देखने को मिला है ऋग्वेदिक काल से। ठीक है, मैंने ऋग्वेद अभी क्यों नहीं कराया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि चारों वेदों को जो है आपको एक ही बार करा दूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को एक साथ करा दूँ अलग से ही। ठीक है, परंतु अगर मैं यहाँ ही ऋग्वेद बता दूँ, फिर सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद अलग अलग कराएं, तो ऐसा कुछ जिक्र इसमें है नहीं आपके सिलेबस में। तो देखिए, फिर भी जितनी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं आप इसी को कवर करिए, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देवताओं का अस्तित्व जो है यहाँ से मिलता है देखने को। ठीक है, और हमने देवताओं को जो है वर्गीकरण किया गया, यानी कि यहाँ पर जो किया गया वर्गीकृत किया गया किसको, देवताओं को। तो देखो, देवताओं में क्या है, आकाश का देवता। ठीक है, आकाश का देवता किन्हें किन्हें माना है, तो आकाश का देवता माना है सूर्य, धो। ठीक है, मैं एक बार इंक डाल लेता हूँ जब बताता हूँ। ठीक है जी, तो क्या है आपका, एक तो आपका सूर्य है, एक धो है, वरुण है, मित्र है। ठीक है, आपका क्या हो चुका है, थोड़ा बता देते हैं, सूर्य आकाश का देवता, धो, वरुण, मित्र, भूषण, विष्णु, अश्वनी, सविता, उषा, आदित्य। एक बार और रिवाइज करते हैं, यानी कि सूर्य देखो आकाश में दिखता है, धो आकाश का पर्यावाचक होता है, वरुण भी आकाश में, मित्र आकाश में, पूषण, ठीक है, विष्णु, अश्विनी, सविता, उषा, आदित्य। क्लियर, यहाँ से अग्नि और पृथ्वी के देवता की बात करें तो यहाँ पर कौन है, अग्नि और पृथ्वी के देवताओं में यहाँ जिक्र अगर हम करने वाले हैं तो कौन है, अग्नि है, फिर सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति, सरस्वती। ठीक है, इसी तरीके से अंतरिक्ष के देवताओं की अगर हम बात करें तो कौन है, इंद्र है अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, रुद्र है अंतरिक्ष देवता। ठीक है भैया, रुद्र ये चिकित्सा का देवता, चिकित्सा संरक्षक देवता भी हैं। फिर आगे आपका मारुत है, वायु है, यम है, प्रजापति हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रजापति। क्लियर, प्रजापति की दो संतानें, सभा और समिति को दो संतानें बताया गया है, पुत्री बताया गया, तो वो यही है ये बात। ठीक है भाई, अब बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं कि जो प्रमुख देवता हैं वो और उनका संबंध, यानी कि प्रमुख देवता और उनका संबंध क्या है, कि उनका किस किस चीज़ से संबंध है। ठीक है, प्रमुख देवता और उनका संबंध, एक एक देवता के ऊपर बात करेंगे और उनके संबंध के ऊपर बात करेंगे।
ठीक है भाई दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देवता की बात करने वाले हैं। नंबर एक पर जो बात करने वाले हैं वो इंद्र की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? इंद्र की। ठीक है, इंद्र की बात करने वाले हैं। अब इंद्र में हमें क्या याद करना है? सबसे महत्वपूर्ण देवता है ये, सबसे महत्वपूर्ण देवता आप लिखते रहो, सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है भाई, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में 250 बार जिक्र है, 250 बार इसका क्या है? जिक्र है। अगर हम और आगे बात करें तो इन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई थी। किसकी? पुरंदर की संज्ञा। किसकी? पुरंदर की संज्ञा दी गई। तो ये बात याद रखनी है इंद्र से हमें कि इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वेद में 250 बार जिक्र है और पुरंदर की संज्ञा दी गई। दूसरे की अगर हम यहाँ बात करें तो अग्नि की बात करेंगे। किसकी? अग्नि की बात करेंगे हम यहाँ पर। किसकी बेटा? अग्नि की। अग्नि क्या है कि मदस्थता का देवता, यानी किसका? मनुष्य व देवता के बीच मदस्थता। मैं याद करा दूँ आपको कैसे, जब हम अग्नि करते हैं ना, अग्नि कसम, तो एक तरफ मनुष्य बैठा होता है और एक तरफ देवता का हम बात करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। दूसरी अगर जानकारी यहाँ से ले मैं तो इसे क्या कह सकते हैं? ऋग्वेद में 200 बार जिक्र है, 200 बार इनका जिक्र है। विवरण कितना मिलता है? 200 बार मिलता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इतना याद रखेंगे यहाँ से। अगर इसके बाद तीसरे देवता की बात करें यहाँ से, तो अश्वनी। किसकी बात करें? अश्वनी की। ठीक है भाई, अश्वनी यहाँ पर क्या है अगर हम यहाँ बात करें तो अश्वनी में हो जाएगा विपत्ति का देवता। किसका? विपत्ति का देवता। क्या कहेंगे? विपत्ति का देवता कहेंगे। और इनको क्या कहेंगे? चिकित्सा का देवता। क्या कहेंगे? चिकित्सा का देवता भी हम इनको कहेंगे। पहले आप इसको नोट करो, इतना जल्दी नोट करो इसको। हाँ भाई, नोट कर लिया, बताओ हो गया तो नोट। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है, इसके आगे की कहानी क्या है वो शुरू करते हैं। आगे क्या है कि हमने तीन देवता देखे हैं यहाँ, चलो एक इधर ही लिख देते हैं यार, जब इतना नोट है तो जगह कर लेते हैं इधर। चौथा जो है हमारा, अगर तीन हो चुके हैं ना, तो अगर हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, यहाँ पर लिख देते हैं चौथा। ठीक है, चौथे में देवता पर हम आ जाते हैं बात। तो पहले देवता हो गए इंद्र, दूसरे हो गए अग्नि, इंद्र हो गए हैं, अग्नि हो गए हैं, अश्विनी हो गए हैं। अब हमारे बचते हैं पूषण। क्या बचते हैं? पूषण बचते हैं, पूषण। अब पूषण को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं पूषण को? पशुओं का देवता कहते हैं। किसका कहते हैं? पशुओं का देवता, पशुओं का देवता बोलते हैं पूषण को। अगर पांचवे की बात करें हम यहाँ पर, पांचवे की अगर यहाँ बात करें पूषण के बाद में, तो सोम कौन हो जाएंगे? सोम हो जाएंगे। अब सोम को हम क्या कह सकते हैं? सोम को वनस्पति का देवता, क्योंकि सोम रस जो मिलेगा किससे मिलेगा? वनस्पति से मिलेगा। ऐसे ट्रिक से याद कर लो, वनस्पति से मिलेगा। मैं बाद में बताऊंगा वनस्पति का देवता, बाद में ट्रिक बताऊंगा इसकी किस तरीके से आपको करनी है। छठे पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सविता। छठे पर क्या हो जाएगा? सविता। छठे पर क्या आ जाएगा? सविता। और सविता जो होता है वो किसका होता है? सविता होगा आपका यहाँ से चमकता देवता। कैसा? चमकता देवता। ठीक है, चमकता देवता। अगर मैं सातवें की बात करूँ यहाँ पर, सातवें देवता की बात करूँ, तो मित्र। और मित्र जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? वो उगते सूर्य का। किसका? उगते सूर्य का देवता हो जाएगा। आठवें अगर बात करें तो आठवें हो जाएगा मारुत। अब मारुत क्या हो जाएगा? आंधी तूफान का देवता। किसका हो जाएगा भैया? आंधी तूफान का देवता हो जाएगा। अगर नवे की अगर हम यहाँ बात करें, नवे नंबर पर अगर हम बात करें, तो हो जाएगा धो। ये आपका हो जाएगा धो। अब धो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश का देवता। किसका हो जाएगा? आकाश का देवता। और यही सबसे प्राचीन देवता, सबसे प्राचीन देवता भी यही हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें जो बात करनी है, एक बार रिवाइज करने की बात करनी है हमें।
ठीक है, क्या करनी है, रिवाइज करने की बात बनती है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले इंद्र पर बात करते हैं। इंद्र क्या है, सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। इंद्र को ऋग्वेद में 250 बार जिक्र है और पुरंदर की संख्या इनको दी गई है। अग्नि की अगर बात करें तो मनुष्य व देवता के बीच की मध्यस्थता होती है और 200 बार इसका जिक्र किया गया है। अश्विनी की बात करें तो विपत्ति का देवता कह सकते हैं, चिकित्सा का देवता भी इसे कह सकते हैं। पूषण की अगर बात करें तो पशुओं का देवता, पूषण बोले पशु, सोम वनस्पति से मिलता तो सोम का हो गया। सविता जो है चमकता देवता हो चुका है। मित्र की अगर हम बात करेंगे तो उगते सूर्य का देवता बोल देंगे इसको। मारुत जो बोलेंगे तो आंधी तूफान का देवता हो जाएगा। और धो की बात करेंगे तो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता यही होता है। तो यहाँ से आपकी बात आ चुकी है। यहाँ अगर मैं यहाँ बात करूँ गायत्री मंत्र जो है, क्या गायत्री मंत्र, अगर गायत्री मंत्र करूँ तो सविता को समर्पित है। किसको समर्पित है, सविता को समर्पित है। इतनी बात यहाँ से याद रखना है। सरस्वती जो थी, सरस्वती पहले नदियों की देवी होती थी, यानी क्या सरस्वती, सरस्वती पहले किसकी होती थी, नदियों की देवी होती थी। बाद में किसकी हो गई है, विद्या की देवी हो गई। किसकी देवी बन गई हैं, विद्या की देवी यहाँ से हो चुकी है। तो ये जो हो चुका है हमारा, हो चुका है धार्मिक जीवन। बेटा इतना तो आपने कर ही लिया होगा, इतनी बातें तो आपने यहाँ तक समझ ली होंगी, पढ़ ली होंगी और इसको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आर्थिक जीवन की, कि क्या था इनका आर्थिक जीवन, किस तरीके से इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को और भी बढ़िया तरीके से देखा, ठीक है भाई। सारी चीज़ें जो है ना सीखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया तरीके से बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं हम, बिल्कुल। आर्थिक जीवन देख लेते हैं हम इनका। आर्थिक जीवन देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या था इनका, ठीक है भाई। तो आर्थिक जीवन के लिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए तो उसके लिए इंक विंक का प्रयोग कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या था इन पर, संपत्ति के लिए जो था, संपत्ति जो थी किसमें थी बटी हुई, कबीला और ग्रामीण में, ठीक है, यानी कि इनकी संस्कृति। अब यहाँ पर क्या था, देखिए आर्थिक जीवन जो था, यहाँ आर्थिक जो था पूरी तरीके से क्या था, पशुचारण यहाँ पैसा था, मतलब पैसे के रूप में दूसरे नंबर पर जो आता था, पहले नंबर तो पशुचारण है, दूसरे नंबर पर क्या होती थी कृषि, दूसरे नंबर पर क्या होती थी कृषि, यहाँ से इन्हें पैसा मिलता था, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें पशुचारण में गाय सबसे पवित्र माना जाता था, गाय को पवित्र पशु माना जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर गाय के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं, गाय के लिए कुछ शब्द, तो शब्द क्या है, अष्टकर्णी क्यों कहा गया इसे, गायों का स्वामी क्या बताता है, गायों का स्वामित्व को बताता था। फिर एक होता था आपका गावित्री, क्या हो जाता था, गावित्री किसे कहते थे, गायों की महत्ता को बताता था। अघन्या शब्द ये न मारने मारे जाने वाला पशु बोला जाता था इसको, ठीक है। इसके बाद पड़ी एक शब्द होता था क्या किसे कहा जाता था, चोरी करने वालों के लिए शब्द प्रयोग होता था, ठीक है। एक था दुहिता जो कहते थे, किसे कहते थे, ये पुत्री के लिए प्रयोग होता था, क्यों किया जाता था, पुत्रियों के लिए क्यों प्रयोग किया जाता था, पुत्री जो है गायों से दूध निकालती थी। एक होता था पण, क्या होता था आपका मुद्रा जो होती थी, मुद्रा गाय के रूप में होती। इतनी बात यहाँ से याद कर लो। यहाँ सबसे उपयोगी अगर बात करें, यहाँ पर ही सबसे उपयोगी जो पशु माना जाता था वो घोड़े को माना जाता था, ठीक है। किसको माना जाता था, घोड़े को माना जाता था। और इसी के साथ साथ किसे माना जाता था, घोड़े के साथ गाय, बैल भैंस, ठीक है, बकरी, इनको भी माना जाता था, ठीक है। अनाज के रूप में अगर यहाँ पे बात करें, अनाज के रूप में किसको, यब को माना जाता था। और मापने का यंत्र जो होता था वो कौन होता था, ऊर्ध्वर मापने का यंत्र, ठीक है भैया, क्लियर इतनी बात। अब देखिए कृषि का जो जिक्र है, इस कृषि का जो जिक्र है वो ऋग्वेद के चौथे मंडल में है, किस में है, चौथे मंडल में कृषि का जिक्र है।
कृषि का जिक्र है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। यहाँ पर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, क्या थी यहाँ पर, कर्म के आधार पर क्या थी, वर्ण व्यवस्था व्यवस्था, यानी कि ये जो है नवे मंडल में है ऋग्वेद के, ठीक है। और सोम रथ को भी समर्पित है नवा मंडल, जबकि दसवें मंडल में जो है चारों वर्ण की बात है। तो बाद में वर्ण किसके हो गए थे, जन्म के आधार पर, परंतु अभी यहाँ पर क्या थे, कर्म के आधार पर। जैसा कोई कर्म करेगा उसी के अनुसार अपने वर्ण में पहुँचेगा, अपने वर्ण में पहुँचेगा यहाँ पर, ठीक है भाई। इतनी बात आ चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर सोने के लिए जो अरण्य शब्द हिरण्य प्रयोग किया गया था, किसके लिए, हिरण्य शब्द जो प्रयोग किया गया था सोने के लिए, किसके लिए, सोने धातु के लिए हिरण्य का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर अगर आ जाएगी तो अयस, अयस एक शब्द था, क्या था, अयस, अयस एक शब्द था किसके लिए, यहाँ तांबे के लिए, तांबे और काशे के लिए, तांबे और काशे के लिए प्रयोग किया जाता था अयस, ठीक है। यहाँ तांबे और काशे का प्रश्न ज़्यादा था, परंतु लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे की खोज यहाँ से हो चुकी थी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो अरण्यानी, एक शब्द आपका आएगा अरण्यानी, अरण्यानी, अरण्यानी को हम कहते थे जंगल की देवी, क्या कहते थे, जंगल की देवी। और रुद्र जो होता था, रुद्र, इसे कहते थे चिकित्सा का देवता, ठीक है, चिकित्सा का संरक्षक। तो होलकर एक नाम के व्यक्ति थे, होलकर नाम के एक व्यक्ति ने यूनानी यूनानी देवता अपोलो से इसकी बराबरी करी थी, अपोलो ही क्या करी थी, बराबरी करी थी अपोलो से। कई बार तुमने अस्पतालों के नामों पर सुना होगा अपोलो लिखा हुआ, तो वो यूनानी दवाखाना होता है, क्या होता है, यूनानी दवाखाना का प्रतीक होता अपोलो, ठीक है। तो अपोलो से इसकी क्या करी थी, रुद्र की कंपेयर करी थी कि जैसे चिकित्सा के संरक्षक हैं, ऐसे ही जो है यूनानी लेखक जो है वो अपोलो है, ठीक है, क्या है, अपोलो। क्लियर इतनी बात, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ये थी आर्थिक जीवन। इतना ही करने के बाद, इतना ही करने के बाद जो हमारा है ये ऋग्वैदिक काल में जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी जो कल जो क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी उत्तर वैदिक काल। तो हमारे ऋग्वेद काल में इतना ही है, आप इतने को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं आपके लिए ये नोट्स जो है वो बिल्कुल सफिशियंट है, अगर आप इतने नोट्स बना लेते हो आपकी प्रत्येक परीक्षा जो है यहाँ से निकल जाएगी। परंतु हमारा पर्पस अभी जो क्या है वो UP SSC पैट है, ठीक है भैया, UP SSC पैट 2023 को हम पर्पस है हमारा मेन। चलिए तो मिलते हैं नई क्लास में, और ऐसे ही उत्साह, इतने ही जोश जुनून के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।